سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى मस्जिद अरिश यहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा था, आपने दुआ फरमाई थी। और अभी मैं जो है वो इस वक्त 6 बज रहे हैं और अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है ना कपड़े प्रेस कर देती हूँ, एक दो सूट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी, कपड़े प्रेस करने के बाद जो है ना हस्बैंड नीचे से नाश्ता ले आए थे और ये हैं चने और साथ है रोटी, और रोटी के ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा दिया था, साथ जैम है। जैम इस रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये था हमारा सिंपल सा नाश्ता और ये बस हम कर लेंगे अभी। नाश्ता करने के बाद जो है ना हमारी तैयारी हो रही थी बाहर जाने की। हम दरअसल जा रहे थे ज़्यारत पर और ज़्यारत पे हम जा रहे थे मुकामे बदर की तरफ। आज हमने प्लान बनाया कि हम जो है ना बदर की ज़्यारत करने जाएंगे, जो कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ इस्लाम और कुफर की सबसे पहली जंग हुई थी, जंगे बदर हुई थी। तो हम उसकी ज़्यारत के लिए जाएंगे। तो बस हम लोग ना नाश्ता करके निकल गए थे क्योंकि हम जा रहे थे बस से, और बस जो है ना ज़्यारतों पे लेकर जाती है। सुबह 7 बजे जो बस निकलती है ना, तो हमने उस पे जाना था। तो बस इसीलिए जो है ना सुबह सुबह हम लोग जो है ना रेडी हुए हैं, नाश्ता किया और फिर हम लोग निकल पड़े थे। यहाँ पर हम जा रहे हैं मस्जिद बिलाल के सामने से जो है ना हमने बस लेनी थी, और उस बस पर जो है ना हमारी बात हो चुकी थी पहले ही एक दिन। तो बस हमने जो है ना बस वहाँ पहुँचना था। अभी हम जो है ना बस पे बैठ चुके हैं। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। जो मशरिक से बना जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना शरीफ से बदर के मकामात की ज़ियारत के लिए रवाना हो चुके हैं। आज आप उस ज़ियारत के लिए रवाना हो चुके हैं जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग भी हुई, इस्लाम की पहली फतह भी हुई, इस्लाम का बोलबाला भी हुआ। मजीद सामान चुस्त होकर बैठेंगे, मदीने के रास्ते में जाते हुए चंद ज़ियारत देंगे, वो भी आपको जरूर करवाता हुआ भेज जाऊंगा। मजीद सामान ये उल्टे हाथ के ऊपर देखें, आपको ये काले पत्थरों वाली ये मस्जिद भी आपको नजर आ रही है, और इस मस्जिद का जो नाम है मजीद सामान मस्जिद तुर्की। इस मस्जिद को मस्जिद अम्बरिया भी कहा जाता है। तुर्क हुकूमत जब यहाँ पर थी तो उन्होंने अपने लिए ये पहली मस्जिद भी बनाई थी जिसका नाम रखा मस्जिद तुर्की। और सीधे हाथ के ऊपर भी देखिए जी सामान, यहाँ पर सीधे हाथ के ऊपर भी तुर्की रेलवे स्टेशन भी नजर आ रहा है। और इससे ही तुर्की रेलवे स्टेशन के अंदर आपको रेलगाड़ियां भी नजर आएंगी, और इससे ही तुर्की रेलवे स्टेशन के अंदर आपको एक सफेद गुंबद वाली मस्जिद भी नजर आएगी। और मेरे सामान उस मस्जिद का जो नाम है मस्जिद सुकैया, पहले उसका जो नाम हुआ करता था वो पीर सुकैया। अभी सामान बीर एक अरबी का लफ्ज है, बीर अरबी में कुएं को। तो पहले इस मस्जिद वाली जगह के ऊपर आराम भी फरमाया, सहाबा इकराम के साथ मशवरा भी फरमाया, और उससे ही के बाद जो है बदर के लिए भी रवाना हुए। अभी सामान ये तुर्की रेलवे स्टेशन जो है जब यहाँ पर थी तो उन्होंने अपने लिए ये रेलवे स्टेशन भी बनाया था कि मदीने शरीफ से तुर्की की तरफ जो रेलगाड़ी भी जाए करे पर आकर रिहायश पजीर भी फरमाए। अभी सवाल हजरत इमाम जैन आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते भी हैं। अभी सवाल देखना, आज अपने घर भी देखे, आज अपने महल भी देखे, ये उस वक्त के उनके घर भी देखना और उनके महल भी देखना, देखना और सोचना कि उन्होंने कैसे इन घरों के अंदर जिंदगी भी गुजारी और कितनी मुश्किलात भी उठाई। सीधे हाथ के ऊपर देखे अजी सवाल, ये आपको घर नजर आ रहा है, और ये घर जो है 1400 साल पुराना घर है, और
और ये घर है हजरत इमाम ज़ैन العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھر مبارک ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں یہ ایک ہی شباب بچے تھے جب ان کے کربلا سے واپس ہوئے تو انہوں نے جو ہے یہاں پر آ کر رہائش پذیر دیکھیں اس وقت کے ان کے گھر اور ان کے محل یہ کونے میں آپ کو کوئی بھی نظر آ رہا ہے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کنویں کا پانی بھی استعمال فرماتے تو مشرق سلام یہ گھر کی ضرورت کرتے رہے یہ چودہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر نہ ہوا ہو جس گلے سے بھی جس جگہ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہو ہمارے لیے وہ زیارات ہی زیارات ہیں ماشاءاللہ حضرت سبحان آپ خوش نصیب لوگ بھی ہیں آپ مبارک کے مستحق بھی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا گھر بھی دکھایا اپنے پیارے حبیب کا گھر بھی دکھایا اللہ پاک اسے ہی بلاتا ہے جسے 70 مرتبہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اللہ پاک نہ کسی کا پیسہ دیکھتا ہے نہ کسی کی شکلیں دیکھتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے گھر میں بھی بلا لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے پیارے حبیب کے گھر میں بھی بلا لیتا ہے خوش نصیب لوگ ہیں جس زمان آپ نے بڑے بڑے مالدار لوگ بھی دیکھے ہوں گے پر یہاں پر آنے کے لیے ان کے پاس توفیق بھی نہیں ہے آج وہ کہتے ہیں کہ ہم آج نہیں گئے اپنے کاروبار میں کام میں بزی ہے آج نہیں گئے کہ من زار قبری وجبت له شفاعت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے روزہ انور کی زیارت کرتا ہے میں محمد کے اوپر واجب ہے کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جاؤں گا ماشاءاللہ حدیث سمان آپ خوش نصیب لوگ ہیں آپ اس نبی کے اونتی بھی ہیں وہ ہمیں صبح نبی بھی ملا جو ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے قیامت والے دن ہمارے لیے روئیں گے بھی بخشش بھی طلب فرمائیں گے تو رب حد لی امتی اے اللہ میری امت کو معاف فرما خوش نصیب لوگ حضرت سبحان آپ مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں تو مدینہ شریف میں آپ رہتے ہوئے آپ ادب اور احترام کے ساتھ بھی رہیں گے یہ ادب کا مقام ہے آپ یہاں پر رہتے ہوئے نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں نہ کسی کے ساتھ آپ اونچی آواز سے بات کر سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز سے جو ہے صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے اللہ اکبر حضرت سبحان یہ نہ ہو کہ کچھ پانے کے لیے آئے ہیں کچھ کھو کر بھی چلے جائیں جب آپ اندر جاتے ہیں روزے کی زیارت کے لیے بھی تو اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ ابھی ہم جا رہے ہیں بیرے روحا کی طرف اور بیرے روحا پہ جائیں گے وہاں سے پانی لیں گے پانی پئیں گے تو اب اگلی جو زیارت ہے وہ بیرے روحا کنویں کی طرف ہوگی تو وہاں پر ہم اتریں گے وہاں سے پانی لیں گے وہاں پر اس کنویں کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں سے ہمارے 70 انبیاء علیہ السلام نے پانی پیا ہے اس کنویں سے کنویں جسے بیرے روحا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا ہوا ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کنویں کا پانی ابھی بھی میسر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کئی بار اس وادی میں وادی بیر روحا قیام فرمایا ہے مکہ آتے جاتے حج پر آتے جاتے اور جب بدر پر جا رہے تھے بدر کے مقام پر جب جا رہے تھے تب بھی اس وادی میں کئی بار قیام فرمایا اور اس کنویں سے پانی پیا اسی لیے جو ہے نا زائرین یہاں پر آتے ہیں پانی پیتے ہیں پانی اپنے ساتھ لے بھی جاتے ہیں اور یہاں دیکھیں اتنا رش ہے اس وقت گرمی بھی بہت ہو گئی تھی تو یہاں یہ دیکھیں یہ بوتلیں وغیرہ بھی ہیں آپ خرید کر یہاں سے پانی بھر کر لے کے جا سکتے ہیں جو ساتھ پانی جیسے بوتل وغیرہ نہیں لاتے تو وہ یہاں سے خرید سکتے ہیں کچھ ریفریشمنٹ کے لیے سامان بھی ہے یہاں پر ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں پر اتر کر تو ہم نے بس اتنا ہی ہم لوگ رکے ہیں 5-10 منٹ کے لیے پانی بھرا اور
जो हमने यहाँ से थोड़ी वो चीज़ें ली हैं खाने पीने के लिए, और वापस फिर हम जो है ना बस पर बैठ गए थे। और अब हमारी अगली ज़्यारत का जो है वो शुरू हो गया था। बदर जाते हुए एक दो जगहों पर हम रुके हैं, एक दो ज़्यारतें की हैं, तो जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपको उसके बारे में बताती रहूँगी। ये वो रास्ते हैं जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं, वो कई बार इन रास्तों से गुजरे हैं, तो हमारे लिए ज़्यारत ही ज़्यारत है। तो बस इन रास्तों की बस इसीलिए मैं वीडियो बनाती रही हूँ, देखती रही हूँ ये जगह, ये ज़्यारतें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, इसीलिए हमारे लिए काबिले एहतराम है। हम यहाँ आते हैं, ज़्यारत करते हैं, और बहुत और भी ज़ायरीन आते हैं, ज़्यारतें करते हैं। उनका मकसद यही होता है कि हम भी इन जगहों को देख सकें, और जहाँ से जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, जहाँ उनके कदम मुबारक पड़े हैं। और जिस कुएं पे अभी हम रुके थे, वहाँ तो वैसे भी कहा जाता है कि वहाँ से हमारे 70 अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम ने पानी पिया है उस कुएं से, तो इसीलिए वो हमारे लिए जो है ना बहुत बड़ी ज़्यारत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो ज़्यारत कर ली है, अब इंशाल्लाह आगे जा रहे हैं, आगे जाके और भी ज़्यारत करेंगे। भर लिए पानी, चलो फिर ले पानी। इसी ही वादी के अंदर भी गुजारे हैं, उनका विशाल भी इसी वादी करेगा। फिर सवाल देखे, आज अपने महल भी देखे, आज अपने घर भी देखे, आज अपनी बस्तियों भी देखे, तो उस वक्त उनके घर भी देखना और उनके महल भी देखना। वादी जे अबू ज़रदा फादी जी, माशाल्लाह से बात देखते रहे, ये घर है पुराने, उसी हालत में ये घर भी मौजूद है। देखिए आज हमारे पास माल दौलत है, पैसा है, तब हम अपना घर बनाते हैं, हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, हाँ घर जो है बना बनाया हुआ मिल जाता है। उस वक्त ये देखे एक एक पत्थर चुन चुन के उन्होंने जो है अपने घर पे बनाए थे, और देखे सोचे कि उन्होंने कैसे यहाँ पर जिंदगी गुजारी। आज हम जो है यहाँ पर अपनी पहाड़ों के ऊपर और यहाँ पर जो पत्थरों के अंदर एक घंटा भी नहीं गुजार सकेंगे। उस वक्त यही दिन थे, यही मौसम थे, यही दिन थे, यही रात थे, सर्दी थी, यही गर्मी थी, तो देखे उन्होंने तो जिंदगी भी गुजारी। आज हमारे पास जो है देसी वगैरह है, मकानात है, महल है, सब कुछ है, तो फिर भी हमें कोई दिन की खबर नहीं है। उस वक्त मेरे सिर्फ जो है दीन को बचाते, दीन की खिदमत करते करते अपने जो है जानों के नजराने को पेश किए, सहाबा किराम में भी, अन्य किराम में भी, और यहाँ पर जो है उन्होंने मुश्किल को उठाई। तो ये माशाल्लाह आज आपके लिए घर की जरूरत भी हो चुकी है, इस रास्ते से हो गया तो नींद में गलत में डाला, तो असर की सुनते छोड़ कर फर्ज अदा करके उसी ही वादी जो अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर भी सो गए, तो फिर हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में भी तशरीफ लेकर आए और यहाँ पर ज़ियारत भी नसीब हुए। तो ये भी घर जो है उसी ही हालत में ये बस्ती भी मौजूद है। वादी जे अबू ज़रदा फादी दूर से कोह का लश्कर है, ये मेरा छोटा सा लश्कर है, ये मेरे दिल का नहीं है। मैंने एक को करके इकट्ठा किया, कभी आपसे अबू बकर मांगा, कभी आपसे सिद्दीक मांगा, कभी आपसे आली मांगा। दूसरी लगे
यहाँ जो ये बता रहे थे ना जिस ज़्यारत के बारे में, वो ज़्यारत अभी आगे आएगी मस्जिद अल अरीश की, वहाँ पे मैं आपको फिर बताऊँगी कि ये किस बारे में बता रहे थे कि हज़रत पैगम्बर सल्लम ने क्या दुआ की थी। अभी जिस जगह पे हम रुके हुए हैं, जिस जगह की हम ज़्यारत कर रहे हैं, ये जंगे बदर में जो सहाबी 14 सहाबी शहीद हुए थे ना, वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। इसे शहदा का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं जो जंगे बदर में शहीद हुए थे। बस अभी जो है हम यहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इनको सवाब पहुँचाएँगे और इस जगह की ज़्यारत कर लेंगे। आप सब भी मेरे साथ इस जगह की ज़्यारत कर लें। तो ये कुछ ऐसे मुकामात हैं, पाक मुकामात हैं, जहाँ पर आप दुआ मांगते हैं, दुआ अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनते हैं, कबूल फरमाते हैं अपने इन नेक लोगों के सदक़े जो इस वक्त यहाँ पर जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने जंगे बदर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और शहीद होने का रुतबा हासिल किया। ये जिस सामने बोर्ड पर नाम लिखे हुए हैं शहदा के, जो शहदा शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जी हम मस्जिद अल अरीश पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था अपने सहाबा इकराम के साथ। और ये वो मैदान है जहाँ पर जंगे बदर हुई थी, और ये है मस्जिद अल अरीश जहाँ पर हज़रत पैगम्बर सल्लम ने दुआ की थी अपनी फ़तह के लिए। क्योंकि जब जंगे बदर हो रही थी तो लश्कर जो था कुफार का वो बहुत ज़्यादा था, उनकी तादाद ज़्यादा थी, और हज़रत पैगम्बर सल्लम के साथ जो सहाबा थे वो कम थे, 313 थे। तो आप सल्लम ने अल्लाह ताला से यहाँ दुआ की थी, बहुत तवील दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें फ़तह दें, और आप बहुत रोए थे। तो अल्लाह ताला ने आप पे वही नाजिल की और आपको खुशखबरी सुनाई कि आप गमगीन बिल्कुल भी ना हों, हम मलाइका के ज़रिए आपकी मदद फरमाएंगे। और अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते उतारे, और फरिश्ते भी इसी मुकाम पर, इसी जगह पर, इन्हीं पहाड़ों पर उतरे। वो पहाड़ इन दूसरे पहाड़ों से बहुत ही मुख्तलिफ़ हैं, हमने वहाँ देखे थे, बस उतरकर वीडियो नहीं बना सके, बस चलते चलते बस से उन्होंने दिखाया कि ये वो जो है ना जबले मलाइका है, जिन्हें जबले मलाइका कहा जाता है, जहाँ पर मलाइका उतरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस जंग में शामिल हुए, और इसी तरह जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई अल्लाह ताला ने मलाइका के ज़रिए। और इसी मैदान में उन सारे कफार का ख़ात्मा किया गया था। इसी जगह पे एक कुआं है जिसमें उन्हें फेंका गया था, और उनकी लाशों को भी बाहर निकालने की इजाज़त नहीं थी। तो जी यहाँ पर जो है ना वो इस्लाम और कुफर की जंग हुई थी, पहली जंग, और इस तरह मुसलमानों को फतह हुई थी। अब हम जो है ना ऊपर मस्जिद में आ गए हैं, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी और उनकी दुआ कबूल हुई थी। तो हम भी यहाँ पर नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के खैमे थे, वहाँ अब जो है इतनी खूबसूरत प्यारी सी मस्जिद बना दी गई है। इन्हीं पहाड़ों के बीच में वो पहाड़ भी है जिसे जबले मलाइका कहा जाता है। यहाँ इर्द गिर्द सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, वादी ही वादी है, और बस यही वो मैदान है जहाँ पर जंगे बदर हुई थी। ये सारा वो मैदान है दूर तक, और जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये इनमें से ही वो एक पहाड़ है जहाँ जिसे जबले मलाइका कहा जाता है, जहाँ पर मलाइका उतरे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। तो जी मेरे प्यारे से व्यूवर्स, मैंने आपके साथ प्यारी प्यारी सी ज़्यारतें शेयर की हैं, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, और आप ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला इन ज़्यारतों को कर। तो खैर बस यहाँ से अब सीधा घर की तरफ निकलेंगे, वापसी के लिए निकलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।